दोस्तों आईपीएस का पद भारत के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में एक उच्च सम्मानित पद है। भारतीय पुलिस सेवा भारतीय लोकतंत्र का सबसे बुनियादी आधार है। दोस्तों आईपीएस अधिकारी देश में जमीनी स्तर पर कानून और व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, दोस्तों इस पद को पाने में जितनी मेहनत लगती है उससे कई ज्यादा बड़ी इस पद से जुड़ी जिम्मेदारियां होती है, जिसकी पूर्ण जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी आप इस पद की गरिमा को बनाए रख पाएंगे। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर की वर्दी के साथ जो मान सम्मान और इज्जत मिलती है, उस मान सम्मान और इज्जत का मोल चुकाना उतना ही मुश्किल होता है, जिस वजह से अक्सर अपनी इस पद की गरिमा को न बनाए रखने के कारण कई ऑफिसर अपने इस पद को खो देते हैं। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर शहर की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ बहुत से काम भी करती है जिनसे आप अनजान है। और आज हम आपको आईपीएस ऑफिसर के उन्हीं जिम्मेदारियों के बारे में बताने वाले हैं। आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारतीय सुरक्षा गार्ड, सीआरपीएफ, बीएसएफ और इंडो तिब्बत सेना के साथ मिलकर काम करता है और उन्हें निर्देश भी देता है। कई बार हालत बिगड़ने पर इन विभागों का आईपीएस ऑफिसर के साथ मिलकर सही योजना बनाना जरूरी होता है, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर लोगों की सुरक्षा के साथ साथ सरकारी संपत्ति की भी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर का काम अपने शहर की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है और शहर में किसी भी तरह की सांप्रदायिक दंगों को फैलने से रोकना होता है। कई बार परिस्थिति हाथ से निकल जाती है और इस स्थिति में आईपीएस ऑफिसर की अहम जिम्मेदारी शहर के सभी पुलिस विभागों को सही दिशा निर्देश देना होता है और घटना को नियंत्रण में लाना होता है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर भी पास कर सकती है। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर के ऊपर शहर की सुरक्षा के साथ साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संरक्षण की भी जिम्मेदारी होती है। राज्य में आयोजित किसी भी समारोह या रैली जिसमें पीएम या मुख्यमंत्री की मौजूदगी होती है, उस समारोह या रैली की पूरी जिम्मेदारी आईपीएस ऑफिसर पर होती है। राज्य में कोई आपदा आने पर इस पद के अधिकारियों का पूरी तरह सक्रिय रहना बहुत जरूरी होता है और साथ ही लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना भी। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर सरकार या कोर्ट द्वारा जारी किए गए नियमों और कानूनों को भी शहर में लागू करता है और साथ ही ये भी ध्यान रखता है कि शहर में उस कानून का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।